डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में आज का टॉपिक हम ले रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। अब यहाँ पर हमने एक फर्स्ट डिग्री नहीं लिखा है, उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जब हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं तो इसका मतलब उसकी डिग्री वन ही है। डिग्री वन वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को ही लीनियर कहा जाता है। तो इसलिए जो चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, उसमें जो फर्स्ट डिग्री है, इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं रही। हम यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कर रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हैं जिन पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। पहला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, फिर इनको सॉल्व करने का मेथड क्या है, कैसे सॉल्व की जाती हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन हुआ है, और लास्ट में फाइनली जो कि इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का ये मेथड कैसे बना, कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं कि इसका सॉल्यूशन हम इसी तरह से कर पाएंगे। तो हम स्टेप टू स्टेप आज के इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है क्या, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है dy अपॉन dx प्लस पी एक्स वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें जो p और q हैं इनके साथ x लिखने का रीजन ब्रैकेट में यही है कि ये क्लियर करना कि p और q x में फंक्शन है और ये केवल x में ही फंक्शन हो सकते हैं, y में नहीं हो सकते हैं। p एंड q आर फंक्शंस इन x ओनली, ये केवल x में हो सकते हैं, यानी p में और q में दोनों में ही y की एंट्री बंद है, इन दोनों में कहीं भी y नहीं हो सकता। p और q केवल x में हो सकते हैं या कांस्टेंट हो सकते हैं। अब इसके सॉल्यूशन की बात करने से पहले हम इसके दो पॉइंट पर ध्यान दें कि जब इस तरह की इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं तो e रेज टू द पावर log x इक्वल टू x, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होती है, e पावर log x इक्वल टू x लिखेंगे। और दूसरा वर्ड यहाँ पर आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसे कह रहे हैं, ये वर्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशियंट बन जाए। तो हम इसकी डेफिनेशन पहले लेते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है। एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर is a function of x on multiplying by which left hand side of ordinary differential equation becomes और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑफ ए फंक्शन एक्स एंड वाई। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम नाम दे रहे हैं वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक ऐसा फंक्शन है एक्स में जिसे हम अगर किसी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करें तो जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसी फंक्शन और वाई का डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाए, उसको नाम दिया गया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें कई बार ऐसा भी कंफ्यूजन देखा गया है कि ऐसा लगता है कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहा है, नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में केवल इतना काम कर रहा है कि जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है उसे किसी फंक्शन का डायरेक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट बना रहा है।
तो हम इन दोनों को हमेशा ध्यान रखें, यही प्रॉपर्टी से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब इसका मेथड क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जो कि e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन pdx ये होता है। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर से इसका सॉल्यूशन मिलता है और वो हम लेते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर इसका इंटीग्रेशन। तो जो क्वेश्चन करने का मेथड है वो ये हमारे पास है कि पहले जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है उसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करेंगे और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है तो उस वैल्यू को यहाँ पुट करके सॉल्व करके आंसर लेते हैं। तो इस मेथड में हम ये देखेंगे कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके कि कैसे अप्लाई करना है। एक्स dy upon dx plus 2y equal to x square log x, हमने ये क्वेश्चन लिया। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dy upon dx plus py equal to q, तो हमने देखा ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि जो dy upon dx है उसका कोफिशिएंट यहाँ पर x है जबकि यहाँ पर 1 है। तो हम क्या करें, इसमें पहले x से डिवाइड करें, dy upon dx प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स से डिवाइड करने पर अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से हम कंपेयर कर लें तो पी की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन एक्स और क्यू की वैल्यू होगी एक्स लॉग एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ई टू द पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 2 अपॉन x विच इज इक्वल टू e पावर 2 log x जिसे हम लिखेंगे e टू द पावर log x स्क्वायर log की प्रॉपर्टी से और ये इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर क्योंकि अभी जैसा मैंने बताया कि e पावर log x जो है वो इक्वल टू x का होगा और ये प्रॉपर्टी इसमें बहुत ज्यादा यूज होती है। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो x स्क्वायर है। सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन। हम यहां पर जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया उसे पुट कर रहे हैं जो कि x स्क्वायर है, y इंटू x स्क्वायर इक्वल टू q, q इक्वल टू हमारे पास है x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड वाई एक्स स्क्वायर, राइट हैंड साइड एक्स क्यूब लॉग एक्स। अब जो राइट हैंड साइड है उसका हमें इंटीग्रेशन करना है क्योंकि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो गारंटी है कि लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई है, अब हमें तो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करना है। इसमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और जो भी आ जाता है उसका फिर से इंटीग्रेशन, वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स फोर अपॉन फोर लॉग एक्स माइनस यहां पर ये एक्स क्यूब बनेगा जिसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एक्स फोर अपॉन 16 हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरह से हम ये आंसर लिखते हैं इस दिए हुए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। अब मेन ये आता है कि एक्चुअल में ये p q लेकर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यही क्यों बनाया है, तो इस बात को समझने के लिए हम आते हैं कि इसके जनरल फॉर्म को ही लेकर चलते हैं। जनरल फॉर्म होती है dy अपॉन dx प्लस
प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस इन एक्स ओनली। अब हम चाह तो ये रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बने, और वो किससे बनेगा हमें नहीं पता है। तो हम एक जनरली मान लेते हैं, लेट वी बी अ फंक्शन ऑफ एक्स सच दैट इट मेक्स डिफरेंशियल, इट मेक्स लेफ्ट हैंड साइड और डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन इन एक्स एंड वाई। तो हमने ये मान लिया कि वी कोई ऐसा फंक्शन है जो एक्स में है, और उसे अगर इसमें मल्टीप्लाई करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाता है। ये हम मल्टीप्लाई करें, v dy अपॉन dx प्लस t vy इक्वल टू वी क्यू। अब जैसा कि हमने सोचा है कि ये वाली वैल्यू जो यहाँ लिखी गई है ये किसी का फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो, तो इनको देख करके ये एक आइडिया लगाते हैं कि हम इसको लिखें d dx y इंटू वी। ऐसा लेने से जब हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट करेंगे तो हमें ये मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर वो नहीं है, लेकिन हमने ये एज्यूम किया है, ये माना है कि ये इस तरह से आपको मिलेगा कि इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ये है इक्वल टू वी क्यू। ये अजम्पशन है, अभी हम इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेटिंग वी वाई इक्वल टू, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया और इधर इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा वी क्यू डी एक्स। तो हमारे पास ये वैल्यू बनी, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड थी एक उसमें आपको एक ऐसा फंक्शन मिल गया कि इसका डिफरेंशिएशन अगर हम कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बन रही है। लेकिन अभी भी हमें वी नहीं मिला कि किसको हमने मल्टीप्लाई किया। तो वी पता करने के लिए हम कहें कि अगर हम डी अपॉन डी एक्स वी वाई करें तो यह आएगा फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसका डिफरेंशिएशन तो एक्चुअल में इतना है, लेकिन हमने तो ये माना है कि इसका डिफरेंशिएशन इतना है, इट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम हुई, क्योंकि ये वी वाई का डेरिवेटिव है और हमने भी वी वाई का डेरिवेटिव ये ही एज्यूम कर लिया है। इट मीन्स ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इन्हें इक्वल हम पुट कर देते हैं। v dy upon dx plus p vy equal to v dy upon dx plus y dv upon dx, और इसमें ये कैंसिल, p vy equal to y dv upon dx, दोनों साइड से y कैंसिल, p v equal to dv upon dx। v को dv के साथ ले जाएं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल में करते हैं, dv अपॉन v इक्वल टू pdx। इंटीग्रेशन log v इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन pdx, क्योंकि p फंक्शन हमें नहीं पता है, और ये हो जाएगा v इक्वल टू e रेस टू द पावर इंटीग्रेशन pdx। तो जो हम यहाँ पर एक फंक्शन v मानकर चल रहे थे वो फंक्शन भी हमारा e पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आया। ये वो फंक्शन है जिसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करें तो ये किसी पर्टिकुलर फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट बन जाता है। तो ये बेसिकली इसका मेथड है जिससे हम पता करते हैं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। अब इसका एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल और लेते हैं लास्ट में। x dy upon dx plus y is equal to x sin x, this implies
स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए एक्स इसको डिवाइड करें, वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, तो p इक्वल टू हो गया 1 अपॉन x और q इक्वल टू हो गया साइन x, और जो हमें मेथड जैसे हमें पता है कि इसमें अब हमें लेना होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो होता है e पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन dx यानी e पावर log x जो वैल्यू इक्वल टू किसके होती है x के। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद हम इसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनता है इसका फॉर्मूला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और फिर उसका इंटीग्रेशन। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने सोल्व किया है x इक्वल टू q, q हमारे पास है साइन x, और इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x dx। x y इक्वल टू इंटीग्रेशन x साइन x का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम फर्स्ट और सेकंड लेकर के इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स कोस एक्स प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन है जो इस फॉर्म में लिखी जाती हैं, और ये उसका पर्टिकुलर मेथड है जिससे ये सॉल्व होती हैं। अभी तक की गई इससे पहले जितनी भी एक्सरसाइज की गई हैं उन सभी में एक पर्टिकुलर फॉर्म होती थी डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई, और उन सभी में हम डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल की तरफ जाते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पर एक टर्म साथ में वाई की भी आ गई है जो अभी तक किसी भी एक्सरसाइज में नहीं आई थी, तो उसकी वजह से हमें इस एक नए मेथड की तरफ जाना पड़ा जिसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता करते हैं।